So as far as Aam Aadmi Party and the BJP are concerned, I think it's a day of full-on battle between the two. First, Arvind Kejriwal's residence, and now punch, counter punch. This is Aam Aadmi Party and BJP councillors clashing at the East Delhi Municipal Council, which is about to be merged now back to become an entity called the MCD. They are punching each other over Kashmir files controversy. This has become a huge issue of controversy in Delhi. Sharad Sharma now joins us with all the latest. Sharad, why is this happening? Could you tell us why did it reach a situation like this? Aisa kyun ho gaya? संकेत, ये ईडीएमसी यानी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आखिरी सदन की बैठक थी, क्योंकि अब सारे ये मर्ज होने वाले हैं तीनों नगर निगम. तो उसमें जो बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव लेके आई थी, और उसमें मांग की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने जो कश्मीरी पंडित हैं उनका नरसंहार हुआ है, उनका मजाक उड़ाया है, उनके प्रति संवेदनहीनता दिखाई है, तो माफी की मांग की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी माफी मांगे. दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस बात से भड़की हुई थी कि जो उसके सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, उनके घर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने हमला किया और तोड़फोड़ कर दी. तो इसी को लेकर जो है, जब बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो इसी दौरान जो है आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, काउंसलर्स हैं, वो वैल में आ गए. और जैसे ही वो वैल में आए, तो बीजेपी के भी जो रूलिंग पार्टी के जो काउंसलर्स हैं वो वैल में आ गए. तो आमने सामने दोनों आए, और उसके बाद दोनों में जमकर हाथापाई हुई है. ये कहना मुश्किल है कि शुरुआत कहां से हुई, लेकिन दोनों ही तरफ से हमने देखा है कि लात घूंसे चलाते देखे गए हैं, लोगों के कपड़े फटते हुए भी निगम के अंदर देखे गए हैं. ये आखिरी बैठक थी निगम की, जहां तक कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का सवाल है. All right, Sharad Sharma, thank you very much for joining us.